हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो मेडिटेक। आज डिस्कस करते हैं मल्टी पैरा पेशेंट मोनिटर, जो जिसकी जानकारी हमारे सर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं मल्टी पैरा पेशेंट मोनिटर। मल्टी पैरा पेशेंट मोनिटर हमारा हवाई टाइम कंपनी एचएड मॉडल है, और ये इसमें शॉर्टकट कीज दी गई है। ये साइलेंस के लिए, पोज के लिए, फ्रीज के लिए, ये NIVP मेजरमेंट और ये प्रिंट, और ये कर्सर दिया गया है रोटेट के लिए। ये ऑन ऑफ बटन है। पावर केबल यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, ये सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए है। और जो हमारी SSD कनेक्टिविटी रहेगी वो रहेगी यहाँ पे। ये ECG लीड, SpO2 प्रो, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, NIVP। फ्रेंड्स, मल्टी पैरा पेशेंट मोनिटर सिंपल 5 पैरा होता है। अगर हम उसमें चाहें कि हमें IVP या ETCO2 कनेक्ट करवाना है, या ये फीचर हमें ऐड करवाना है, तो वो ऑप्शनल रहता है, वो हम इसमें करवा सकते हैं। ये हमारा बैटरी का ऑप्शन है, जो हमारा बैटरी यहाँ पे है लगा हुआ है। इसका जो बैटरी बैकअप है 2 से 3 आवर्स है। ये हमारा ऑन ऑफ बटन, इससे हम मॉनिटर ऑन करेंगे। ये अपना मॉनिटर स्टार्ट, फ्रेंड्स इसका जो स्क्रीन साइज है वो 12.1 इंच है, और ये हमारी शॉर्टकट कीज दी गई है, प्रिंट, NIVP, फ्रीज, पोज और साइलेंस। दोस्तों, ये जो अपना ग्रीन लाइनिंग है, ये ECG, पल्स रेट, NIVP, SpO2, पल्स रेट। फ्रेंड्स, हम अभी बता रहे हैं आपको एसेसरी कनेक्टिविटी। देखो फ्रेंड्स, हमें ना एसेसरी कनेक्टिविटी बड़ी केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रोकन होने का मेन रीजन है। हम फ्रेंड्स, एक जो इसमें कट है उसके अकॉर्डिंग इसमें कनेक्ट करते हैं। इसमें भी ये कट है, तो इसको ऐसे ही हम कनेक्ट करेंगे। ये अपना SpO2 प्रोब कनेक्ट हो गया, अभी इसको फिंगर से कनेक्ट करेंगे, इसमें अपना रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे SpO2 रीडिंग, यहाँ पे पल्स रेट, और ये प्लेथिस्मोग्राफ। हम ECG लीड कनेक्टिविटी, तो फ्रेंड्स यही था कि ECG लीड को भी हम केयरफुली कनेक्ट करेंगे। इसमें भी कट होता है, और उसी कट के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट होगा। ये ECG लीड कनेक्ट हो गई। उसके बाद है टेम्परेचर प्रोब, ये कनेक्ट हम करेंगे। ये इसका कनेक्टर है फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर है NIVP होज एंड कफ, ये हम इसको कनेक्ट कर देंगे, NIVP होज। ओके दोस्तों, ये अब अपना मॉनिटर 12.1 इंच स्क्रीन साइज 12.1 इंच है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम दोबारा डिस्कस करते हैं इसकी इंटरनल सेटिंग्स की, जैसे NIVP, SpO2 सेटिंग्स, और इसके हाई अलार्म लो अलार्म सेटिंग्स की। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।